हेलो एवरीवन, ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और स्टडी अबाउट द वाटर एंड द वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द वाटर। वाटर इज व्हाट? वाटर को जिस तरीके से हम देखते हैं अपने जीवन में वो क्या है? हम कहते हैं लाइक जलम जीवनम। दैट मीन्स व्हाट? That the water is a fundamental unit or the basic unit of our life that we use for our daily needs. अब जैसे पानी है, पानी की आवश्यकता हमें पीने के लिए भी है, for drinking purpose also, for in construction also we use the water. तो water जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, अब पानी पहले हम इस subject के बारे में देखेंगे कि why we are studying this subject. So whenever we study any subject, then there is an objective to study that subject. So what is the objective of studying this subject? That we should know that why we are studying whatever we are studying. So the first objective is we can say that the water, जो कि हमारी basic need है, वो हमें कितनी quantity में चाहिए, किस quality में चाहिए, जो भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कितनी quantity में चाहिए हमें, क्वालिटी में चाहिए हमें, और उस अकॉर्डिंग हम उसका सप्लाई करते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट। और सप्लाई करने के बाद, उसका यूज करने के बाद, हम फिर से उसको डिस्पोज करने से पहले ट्रीट करते हैं, ताकि जो हमारा एनवायरमेंट है हम उसको बहुत ज्यादा हार्म ना पहुंचाएं। सो दैट्स व्हाई द रेशनल्स और यू कैन से द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इरेजर का है इसमें ये ठीक। सो नाउ द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ इज वाटर। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ हमारी लाइफ की, हमारी जिंदगी की, वो वाटर है। वाटर सभी तक इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। जैसा कि हम भी न्यूज वगैरह में देखते हैं कि सभी जो सिटीज हैं हमारे इंडिया में भी, वहां तक भी जितनी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है, यू कैन से पर कैपिटा पर डे जो रिक्वायरमेंट है पानी की, वो सभी लोगों तक पहुंच नहीं पाती। एंड दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग दिस, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट, कि एज एन इंजीनियर हम क्या ऐसा सिस्टम डेवलप करें ताकि हम जितनी भी पानी की जरूरत है एक इंसान को, और जिस क्वालिटी में उसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है इंसान को, वो हम फुलफिल कर पाए। सो प्रोवाइडिंग द पोर्टेबल वाटर एट द फर्स्ट प्लेस, देन कलेक्टिव एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। हमारा काम क्या है एज एन इंजीनियर? हमारा काम है कि हम उस पानी को जब सोर्स से लेते हैं, तो हम ध्यान दें कि कितनी क्वालिटी में हमें, किस क्वालिटी में हमें पानी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमें पानी चाहिए, किस सप्लाई सिस्टम से हम उस पानी को लेकर के जा रहे हैं। किस सप्लाई सिस्टम से हम उसको लेकर के जा रहे हैं, यानी कि जो भी हम वाटर सप्लाई सिस्टम यूज कर रहे हैं, और वो पहुंचाने के बाद जब लोगों का उसका इस्तेमाल हो जाता है, तब वो किस तरीके से हम उस सीवेज वाटर को, या यू कैन से द यूज्ड वाटर को, हम किस तरीके से डंप करते हैं विद द ट्रीटिंग प्रोसेस। मतलब हम किसी भी पानी का जब इस्तेमाल कर ले रहे हैं, और जब हम डंप करने जाते हैं, उसको रिलीज करते हैं, तो किस दोबारा से सोर्स में ही रिलीज करते हैं, तो दोबारा से हम जब सोर्स में रिलीज करेंगे, तो वो पानी हम उतना ही बेकार पानी, तो हम उसको दोबारा से सोर्स में डालेंगे नहीं, तो पहले हम उसको ट्रीट करते हैं। दैट्स व्हाई रीड अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट, और फिर हम उसको ट्रीट करके, और तब हम उस सोर्स में वापस में उसको डालते हैं, ताकि हम उस सोर्स को बहुत ज्यादा पल्यूट ना करें, अपने एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पल्यूट ना करें। और क्योंकि ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इर्द गिर्द घूमती हैं, यू कैन से इन WHO ऑल्सो, WHO में 2017 में यू कैन से एक नया जैसे कि गोल्स हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, 17 गोल्स आर देयर। सो इन द 7th गोल यू कैन सी दैट देयर इज अ गोल फॉर द क्लीन वाटर इन द क्राइटेरिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो WHO के हिसाब से भी हर एक इंसान की क्या बोल रहे
जब ये इरेज हो रहा होगा तब तो आप उसको वो एडिट कर देंगे ना अपना पार्ट, ये इरेज तो हम चुप होके कर रहे हैं, ठीक है ओके। तो नाउ WHO के हिसाब से भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, गोल नंबर 7, उसमें लिखा हुआ है कि एवरीवन हैज अ राइट टू गेट द क्लीन वाटर, और सबकी ये राइट है सबके पास कि सबको अपने हिसाब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पानी मिले और वो उसका इस्तेमाल कर पाए। सो ये जो सब्जेक्ट है यही हमें बेसिक नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करेगा इन द फील्ड ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम, यानी कि इस सब्जेक्ट पे हम पढ़ेंगे, वी विल अगेन से वी विल अडॉप्ट द नॉलेज एंड द स्किल, वी लर्न द स्किल कि किस तरीके से हम वाटर सप्लाई सिस्टम को बनाएंगे और उसका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बनाएंगे, मतलब किस तरीके से हम पानी को पहुंचाएंगे, किस क्वालिटी में पहुंचाएंगे और कैसे हम उसको फिर दोबारा से डिस्पोजल सिस्टम भी उसका क्रिएट करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल गो ऑन टुवर्ड्स द लर्निंग आउटकम्स, मीन्स जैसे हमने पहले आपको बताया कि जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, वी शुड नो, वी शैल नो कि व्हाई वी आर लर्निंग दिस। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अगर हमें ऑब्जेक्टिव नहीं पता है, देन वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट और डेवलप और एनालाइज एनीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन टेक लाइक इफ यू आर रीडिंग दिस वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, जब हम पढ़ रहे हैं हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं दैट हमें सिर्फ रीड आउट करना है ऑल दीज थिंग्स, वी हैव टू अप्लाई दीज थिंग्स इन आवर व्हेन वी आर गोइंग टू बी अ इंजीनियर। सो जब आप इंजीनियर बनोगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कितनी क्वालिटी में पानी होना चाहिए आपके पास, कितनी क्वांटिटी में पानी होना चाहिए, किस तरीके से वाटर सप्लाई सिस्टम जो है वो वर्क करता है और कैसे हमें डिस्पोज करने से पहले जो खराब पानी है उसको डिस्पोज करने से पहले हमें सोचना होगा, एंड हाउ वी आर गोइंग टू यू कैन से क्रिएट द डिस्पोजल सिस्टम ऑफ वाटर। सो आफ्टर अंडरगोइंग द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद वी विल कम टू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, यानी कि हम देखेंगे कि एक विलेज में या फिर एक टाउन में या एक सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, हर एक इंसान के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट है एक पानी की, और वैसे हम सप्लाई सिस्टम बनाएंगे। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि विलेज में कितना पॉपुलेशन है। अब हम पॉपुलेशन, जैसे कि हमने आज के बारे में जान लिया कि आज वहां की पॉपुलेशन 10,000 लोगों की है, तो जरूरी तो नहीं कि वो 5 साल बाद भी 10,000 लोगों की ही पॉपुलेशन होगी, और ऐसा भी नहीं कि हम सप्लाई सिस्टम जब क्रिएट करते हैं तो हम सिर्फ इस साल के लिए क्रिएट करेंगे, वट एवर वी आर क्रिएटिंग वी होप कि वो इतने साल चले, 10 साल 20 साल वो चले। तो दैट्स वाई वी विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर, वी विल कैलकुलेट द पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग ऑफ दैट विलेज और ऑफ दैट सिटी, और तब हम उसके अकॉर्डिंग अपने वाटर सप्लाई सिस्टम को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज चेक एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर बाय गिविंग द रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट टू द वाटर। अब क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे हम इससे हम ये समझते हैं कि वाटर की क्वालिटी, दैट मीन्स कि अब जैसे सोर्स ऑफ वाटर की हम बात कर रहे थे कि हमें रिवर में पानी मिल ही रहा है, हमें सप्लाई करना है, सिर्फ एक पाइप लगा देना और वो पहुंचा देना है घर घर, तो क्या उस रिवर के पानी से या फिर उस लेक के पानी से या पॉन्ड के पानी से डायरेक्ट हम इनटेक कर सकते हैं उस पानी को? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस्तेमाल करते हो, डायरेक्ट लेते हो रिवर के पानी को, तो क्या हम डायरेक्ट उसको इनटेक कर सकते हैं? क्या हम उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं यूज कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई हम उसकी क्वालिटी का चेक करते हैं कि कितनी, पहले तो हमें समझना होगा वॉट आर द फिजिकल केमिकल और द बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ द वॉटर, मतलब कितना, अगर टर्बिडिटी है पानी में तो इतनी टर्बिडिटी तक हम इनटेक कर सकते हैं। अगर पानी में मान लीजिए पीएच लेवल है, या हम मान लेते हैं कि वो जो छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं पानी में, तो कितनी हद तक वो है तो हम उसको इनटेक कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको इनटेक नहीं करेंगे। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि क्या क्वालिटी ऑफ वाटर होनी चाहिए बिफोर गिविंग द रिक्वायर्ड वाटर टू द पर्सन, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है, यानी कि अब पानी में पता चल गया कि इसकी टर्बिडिटी ज्यादा है या फिर इसका पीएच वैल्यू ज्यादा है या इसमें बहुत ज्यादा यू कैन से बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे, और फिर हम अपनी उस यू कैन से द क्वालिटेटिव वाटर को फिर हम सप्लाई करेंगे। Now the second, third point we are going to read in this subject is calculate the size of the different pipes to carry the water.
अब जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं अपना वाटर सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट साइज ऑफ पाइप्स क्या क्या है, मतलब जो भी है वो पानी लेकर के जा रहा है, कितने किस साइज के पाइप की रिक्वायरमेंट है, कितना उसका डायमीटर होना चाहिए, तब किस तरीके से उसका फ्लो होगा, ये सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ेंगे. ले द नेटवर्क ऑफ पाइप्स फॉर द वाटर सप्लाई एज वेल एज द सीवरेज इन अ बिल्डिंग, मीन्स हम यहाँ पे नेटवर्क भी देखेंगे, नेटवर्किंग ऑफ द पाइप हम देखेंगे, किस तरीके से हम पाइप का नेटवर्क बनाएंगे और उस तरीके से हम अपने पानी को जो है लोगों तक पहुंचाएंगे. ड्रॉ द लोकेशन ऑफ द डिफरेंट अपर्टेनेंसेस हम देखेंगे इसमें. कैरी आउट द डिस्पोजल ऑफ द सीवेज, अब इस्तेमाल हो गया है ओके तो अब इस्तेमाल होने के बाद उस पानी का हम डिस्पोजल कैसे कर रहे हैं, लाइक दैट इफ वी हैव यूज्ड द वॉटर, अब हमने पानी का इस्तेमाल कर लिया तो जो हमारा यूज्ड वॉटर है वो डिस्पोज में जा रहा है, तो हम उसको कैसे किस तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं, क्या हम डायरेक्ट डिस्पोज कर रहे हैं या फिर हम पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे और फिर हम उसको डिस्पोज करेंगे. और ट्रीटमेंट की इसलिए आवश्यकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डायरेक्ट अगर हम सोर्स में यूज्ड वाटर या पोल्यूटेड वाटर को हम डिस्पोज करते हैं तो हमारे सोर्सेज जो है वो फिर से पोल्यूट हो जाएंगे और फिर उनकी वजह से जो हमारे पास ऑलरेडी जो सोर्स ऑफ वाटर है वो इतना कम है. सो दैट्स व्हाई Now, the last point is supervise the water supply and the wastewater schemes. Whatever the schemes has been given, उनकी हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं और वेस्ट वाटर स्कीम्स हैं जो हमारे पास हैं, हम उनकी भी इसमें स्टडी करेंगे. So now, ये सारी चीजें हमने देखा कि कौन कौन से आउटकम्स हैं. तो डिटेल्ड कंटेंट अगर हम देखें अपने सिलेबस का क्या क्या चीजें हैं, तो यू कैन से द फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन अबाउट द नेसेसिटी इन द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम, यानी कि पहले कुछ लेक्चर्स में हम यही देखेंगे इन द सोर्स ऑफ द वाटर सब सर्फिस इन द सर्फिस सोर्सेज. ओके सो ना फर्स्ट पॉइंट ऑफ यू कैन सी द नेसेसिटी इन द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम. नेसेसिटी, व्हाई इज द नेसेसिटी ऑफ द वाटर सप्लाई सिस्टम, अब हमें पता है जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया. यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि हमारे लिए जो पानी है वो बेसिक यूनिट है और जो भी नेचुरली चीजें होती हैं तो वो ऑफकोर्स हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है फ्रेश वाटर, ठीक है, उसी में से हमको इस्तेमाल करना है. और ऐसा भी नहीं, इतनी सारी पॉपुलेशन है वो इस्तेमाल भी कर रही है और फिर उसको दोबारा से डिस्पोज भी कर रही है, और वो डिस्पोज प्रॉपरली मैनर में होना चाहिए, ट्रीटेड होना चाहिए, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है.